तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक हटके टाइप की कविता सुनाता हूँ क्योंकि बहुत मजा लेगा। एक निवेदन है, आप लोगों को पता है भैया मुख्य सचिव है ट्रांसपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार में। मैं एक किस्सा भैया बता रहे थे, जब ये डीएम हुआ करते थे कहाँ कौन सी जगह बताया था? एक बार मैं गलती से डीएम बन गया पीलीभीत। तो बनारसी आदमी जब डीएम बनता है तो किससे कैसे बनते, मैं चाहता हूँ भैया आप लोगों को बताएं। अच्छा चलिए, इन्हीं का प्रोग्राम है तो हम बता देते हैं। इनको होटल में सुना रहे थे तो ऊपर से कूदने को तैयार हो गए, तो मैं आपको सुनाता हूँ और सच्ची घटना है। देखिए कवि शायर लोग पुरानी वाली सुना देते हैं, मैं ओरिजिनल वाली सच्ची सुना रहा हूँ आपको। हुआ क्या कि ऐसा ही मौसम था ठंडा, एक बार मैं सुबह सुबह टहल रहा था और मैं कलेक्टर था, हाफ पैंट पहन के टहल रहा था, किसी को पता नहीं था कि मैं नया नया आ गया हूँ। एक शराब की दुकान खुली हुई थी, कच्ची शराब की, तो मैं उसके पास ऐसे टेस्ट करने गया कि शराब क्या भाव बेच रहा है। तो 35 रुपए की शराब वो 45 रुपए में बेच रहा था, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ अंदर से कि शराब पीने वाले अधिकतर मजदूर होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं। जब हम रिक्शे पे बैठते हैं तो 10 रुपया मांगता है, जब वो 10 रुपया मांगता है तो 8 रुपए में उसको तय करके चले जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब शराब की दुकान पे जाता है तो 35 रुपए जो सरकार ने तय कर रखा है उसको 45 में देता है। तो मेरे अंदर का संविधान जागृत हो गया। जब संविधान जागृत हो गया तो मैंने उसको धीरे से फोन करके बंद करा दिया। पत्रकार तब थाने पहुंच गया कि सवेरे सवेरे किसने बंद करा दिया भाई शराब, जैसवाल लोग बड़े लोग होते हैं शराब के लोग, तो आगे डीएम साहब ने बंद करा दिया। कहीं मैंने ऐसे ही बात बाद में कह दी कि मैं खुद खरीदने चला गया था इसीलिए बंद हो गया। अब ये चारों तरफ बॉक्स आइटम लग गया कि डीएम साहब कच्ची वाली लेते हैं और कच्ची पीने चले, इसका प्रचार हो गया दुर्भाग्य से सारे जिले में। अब शाम को 7 बजे का किस्सा सुनिए कि एक सज्जन मुझे फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं डीएम बोल रहे हो? तो जनरली फोन मैं ही उठाता था, मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। कहने नहीं, देखो मैं अरु गरु आदमी से बात नहीं करता, हरदली तो नहीं हो? मैंने कहा नहीं मैं डीएम ही हूँ। कहा सही में डीएम हो? हमने कहा हाँ। कहा तब नमस्ते। हमने कहा नमस्ते। कहा देखिए साहब ठेके पे खड़े हैं, 45 रुपए में दे रहा है, आप तो छपवाए थे ना 35 में। हम कहे हाँ, कैसा 45 में दे रहा है? इसको साले को मैं समझा रहा हूँ कि कहीं डीएम साहब इधर से गुजरे और तलब लग गई तो बेटा तुम तो गए। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, उसको कह दो दे देगा, हमारा नाम सुन के देगा। कहे नहीं साहब। और दूसरी बात उसने ये कहा कि साहब बहुत हम लोग खुश हैं, जितने ठेके वाले हैं जितने ठेके पे शाम को जाने वाले बहुत प्रसन्न हैं। हमने कहा ऐसा क्या मैंने कर दिया? कैसा पहली बार कोई ऐसा कलेक्टर आया जो कच्ची पीता है? बाकी सब तो अंग्रेजी वाले आए थे, तो ये बनारसीपन बड़ा मजा। बोलिए हर हर महा। मैं आपको जो जीता हूँ वही आपके सामने लिखना चाहता हूँ। देखिए हमने संविधान बनाया, लेकिन आज जो कुछ दिल्ली में हुआ, जो कुछ सीए में हुआ और जो कुछ आप लोग रोमियो वाला जो स्क्वाड बना उसके साथ करते हैं यहाँ पे गंगा जी के किनारे, ये सब संविधान तोड़ने की बात है और मैं इसके विरोध में हूँ पूरी तरीके से। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ कि जब हमने संविधान बनाया तो हमने जुडिशरी बनाई, अदालतें बनाई, अदालतों में जज साहब को बैठाया, ऊपर एक मूर्ति बनाई, मूर्ति की आंखों में पट्टी बांधी और एक हाथ में तलवार दी और सारी दुनिया से ये कहा कि संविधान में ये जो लड़की खड़ी है, जो मूर्ति खड़ी है, ये अंधी है, ये न्याय की देवी है और न्याय करती है। लेकिन हमारे देश में जब हम आंकड़ों को पढ़ें तो कत्ल की सजा होती है फांसी, सिर्फ 2 या 3% लोगों को फांसी दी जा सकती है। और अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों को फांसी देने की तो सुबह 6 बजे फांसी दे दी 2 लोगों को, बड़ा हल्ला हुआ। फिर हमने सोचा कि हम बता के फांसी देंगे। हम बता के फांसी देने लगे तो 2:30 बजे तक अदालतें चलने लगी। तो मैंने एक पंक्तियां लिखी, मैं आपके सामने रखता हूँ कि अब अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है, अदालत रो नहीं सकती। अब अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है, अब कहां इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है।
अब कहां इस मुल्क में, अब कहां इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है, अब अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है। और अब नहीं महफूज मस्जिद, घर में ही पढ़ लो नमाज। पहले मंदिरों में विस्फोट हुआ करते थे, हमने मुसलमान भाइयों को उठा के बंद कर दिया कहा आतंकवादी हैं। फिर मस्जिदों में विस्फोट शुरू हुए, हमने हिंदुओं को बंद करना शुरू किया। हम बंद करके जांच कर रहे हैं और विस्फोट होते जा रहे हैं। अब नहीं महफूज मस्जिद, घर में ही पढ़ लो नमाज, क्योंकि मंदिरों मस्जिद में भी जामा तलाशी हो रही है। मंदिरों मस्जिद में भी आप मंदिर चले जाइए, तमाम लोगों ने दुकानें का धंधा बदल करके मोबाइल का लॉकर कर रखा लिया। आज मैं सुबह मंदिर गया था, मोबाइल के लॉकर का धंधा चल पड़ा है। संकट मोचन में आप मोबाइल लेकर कई सालों से नहीं जा सकते। अब नहीं महफूज मस्जिद, घर में ही पढ़ लो नमाज, मंदिरों मस्जिद में भी जामा तलाशी हो रही है। और इस धमाके में मरे जो हिंदू हैं या मुसलमान, जब कहीं बवाल हो जाता है तो इस वायरलेस से मैसेज आता है कि कौन वाला कांड हुआ है, तो पुलिस वाले को बैठे हैं पीछे कोड होता है, इसमें हम बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम हुआ है कि जाति वाला हुआ है कि क्या हुआ है, वो आपको नहीं बताएंगे। कि इस धमाके में मरे जो हिंदू हैं या मुसलमान, लाश की गिनती भी अब कितनी सियासी हो रही है। लाश की गिनती भी अब कितनी सियासी हो रही है। और प्रवचनों में गुरुजी के शेख की तकरीर में, प्रवचनों में गुरुजी के शेख की तकरीर में ये मजहबी चट्टान पे खंजर तराशी हो रही है। मजहबी चट्टान पे खंजर तराशी हो रही है। और ये शेर ले जाइएगा, अभी कुछ दिनों पहले अदालत के सामने चार जज साहब लोग बैठ गए और आरोप लगाया बड़े जज साहब पे कि मुकदमा ठीक से बट नहीं रहा। इसी में कई दिन गुजर गए। कौन हाकिम तय करेगा कौन है कातिल यहाँ। पहले हाकिम ही नहीं तय कर पा रहे। कौन हाकिम तय करेगा कौन है कातिल यहाँ। फैसले में बस यही दिक्कत जरासी हो रही है। फैसले में बस यही मुश्किल जरासी हो रही है। और यूं तो शामिल हम सभी हैं। हम छोटे छोटे काम करते हैं, कोई कहीं काम करता है। जब ताज होटल पे विस्फोट हुआ था तो जो लाशें बरामद हुई थी उनके जेब से जो आइडेंटिटी कार्ड बरामद हुए थे वो कॉलेज के स्टूडेंट के ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड थे। जब हम छोटे छोटे मामलों में जब हम लाइसेंस फर्जी बनवाने की कोशिश करते हैं, जब हम आई कार्ड और आधार कार्ड फर्जी बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी इस मामले में शामिल होते हैं। यूं तो शामिल हम सभी 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 हैं, पर कसर इतनी सी है। यूं तो शामिल हम सभी हैं, पर कसर इतनी सी है। आईने को देखने में कुछ हयासी हो रही है। आईने को देखने में कुछ हयासी हो रही है। और फांसी के रस्से को लेकर हो रही रस्साकशी। जो ही अदालत डिक्लेयर करती है कि फलाने को फांसी दी जाएगी, हमारे टीवी के चैनल सज जाते हैं। आधे इधर हो जाते हैं कि फांसी नहीं दी जानी चाहिए, आधे हो जाते हैं फांसी दे जानी चाहिए। सारे संविधान का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। फांसी के रस्से को लेकर हो रही रस्साकशी। शिकवा कातिल को भी है बिरयानी बासी हो रही है। और अंतिम शेर ले जाइएगा कि बच गए मासूम बच्चे। जब कोई बड़ा विस्फोट होता है, जब काफी लोग मरते हैं, तो किसी शायर ने कहा कि सियासत गिन रही है मौके पर आकर लाशें।
नेताजी आते हैं तो कैसे हम लोग लाशों को सजा के रखते हैं, पुलिस वाले भाई लोग खड़े हैं, बढ़िया बढ़िया कफन उड़ा के लाइन से रख देते हैं कि भी गिनी जाएगी। सियासत गिन रही है मौके पर आकर लाशें, बड़े तरतीब से रखी हैं सजा कर लाशें, बड़े तरतीब से रखी हैं सजा कर लाशें, और किसे दफनाया जाएगा, किसे जलाया दफनाया जाएगा, किसको किसे जलाया दफनाया जाएगा किसको, अभी मजहब में बांटी जाएंगी लाकर लाशें अभी। तो ये बात, ये शेर देखिए कि जब कोई बड़ा विस्फोट होता है तो थाने की फोर्स पहले आती है, मीडिया के लोग आते हैं, फिर पत्रकार बंधु आते हैं, फिर उसका घोर निंदा की जाती है, अखबारों में छपता है, आयोग बैठ जाता है, जांच शुरू हो जाती है और हम अगले विस्फोट का इंतजार करने लगते हैं। अंतिम शेर देखिएगा कि बच गए मासूम बच्चे जाने क्या क्रिया करम, बच गए मासूम बच्चे जाने क्या क्रिया करम, दो दिनों से चीर घर में लाश बासी हो रही है, दो दिनों से चीर घर में लाश बासी हो रही है, अब कहां इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है, अब अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है, अब अदालत में। बहुत बहुत धन्यवाद।